हम लोग का जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल का 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसको स्थगित करा। 17 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और 18 अप्रैल को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस होगा और 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो 8 तारीख का प्रायोजित था उसको हम लोग 17 अप्रैल को जो है सो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव किया जाएगा और 18 तारीख को जो है सो पूरे जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस होगा और 19 तारीख को जो है सो पूरे झारखंड बंद किया जाएगा। माध्यम से राज्य के सभी छात्रों को अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि झारखंड राज्य के आदरणीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ। वह राज्य का महज एक नेता और मंत्री नहीं थे बल्कि इस राज्य के एक सच्चे वीर सपूत, इस माटी के, इस धरती के हमेशा हक अधिकार के लिए बात करने वाला अंतिम सांस तक एक बेटा थे। इसके निधन से हम लोग बहुत मर्माहत हैं, आहत हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं और इसके निधन से जो इस राज्य को क्षति हुई है वह अपूर्णीय क्षति है। शायद इसका भरपाई आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो हमारा झारखंडी हित में खतियान आधारित नियोजन नीति की जो मांग है यह हमारी मांगों को हमेशा से प्रमुखता से अंतिम सांस तक जोर शोर से उठाए हैं और जो 1932 का खतियान था जो कैबिनेट में पारित करके राज्यपाल महोदय तक भेजना था वो सोची कि उसका शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी एक अहम योगदान दिए थे, बहुत खुश हुए थे। मतलब हमारे मुद्दा के साथ हमेशा अंतिम सांस तक रहे, इसीलिए उनके सम्मान में शोक व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग का जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल का 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसको स्थगित करते हैं सर्वसहमति से। चूँकि संथाल परगना के नेतृत्वकर्ता से बात हुई, कोल्हान के नेतृत्वकर्ता से बात हुई, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पलामू, रांची सभी के नेतृत्वकर्ता का सर्वसहमति से यही कहना है कि जगन्नाथ महतो महज एक नेता, विधायक और मंत्री नहीं बल्कि हमारे इस माटी का सच्चा वीर सपूत थे। इसीलिए आज उनका जो एक सपना था खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जो हम लोग प्रमुखता से सड़क पे लड़ रहे हैं, उनका भी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग इस आंदोलन को और आगे पुनः घोषणा करके करेंगे। तो हम लोग पुनः घोषणा करते हुए आज ऐलान करते हैं मीडिया के माध्यम से कि आगामी 17 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और 18 अप्रैल को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस होगा और 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। तो पुनः फिर हम लोग छात्र एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे स्थगित करके करेंगे और आगे का कार्यक्रम को हमारे आदरणीय मनोज भैया संबोधन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को यह सूचित कर रहे हैं कि जो माननीय टाइगर महोदय नहीं रहे हमारे बीच में उसके लिए हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ हम लोग जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो 8 तारीख का प्रायोजित था उसको हम लोग स्थगित करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी क्षति के बाद भी अगर यदि हम लोग झारखंड के बारे में नहीं सोचेंगे और जो झारखंड के बारे में सोच रहे हैं उनके प्रति अगर श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है उनके प्रति हम लोगों का जो है आभार प्रकट करते हुए हम लोग जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव रखे थे 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को उसको हम लोग स्थगित करते हैं। 10 अप्रैल को जो पूरे झारखंड बंद का था उसको भी स्थगित करते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह घोषणा करते हैं कि हम लोग लड़ाई बंद नहीं किए हैं बल्कि हम लोग स्थगित किए हैं। हम लोग जो है आगामी 17 अप्रैल को जो है सो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव किया जाएगा और 18 तारीख को जो है सो पूरे जिला मुख्यालय में
मशाल जुलूस होगा और 19 तारीख को जो है सो पूरे झारखंड बंद किया जाएगा। अभी हम लोग के पास में बहुत ज़्यादा मरमाहत हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच जो गार्जियन थे वो सिर्फ मंत्री नहीं थे बल्कि हम लोगों तमाम छात्रों के गार्जियन थे। उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए हम लोग अभी मुख्यमंत्री आवास घेराव और झारखंड बंद का ऐलान जो हुआ था डेट, उसको हम लोग स्थगित करते हैं और इसकी वह आगे जो है बार बार आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। और जहां तक मैंने कहा है कि 17, 18, 19 लगातार 3 दिवसीय जो होगा सो 17 को माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव और 18 को जो है सो मशाल जुलूस पूरे जिला मुख्यालय में और 19 को जो है सो पूरा झारखंड बंद किया जाएगा। अभी 8 और 10 तारीख के मुख्यमंत्री आवास घेराव और झारखंड बंद को स्थगित किया जाता है। मनोज जी, देवेंद्र जी, दोनों से संयुक्त सवाल है। जगन्नाथ दा 1932 के सबसे बड़े समर्थक थे, वो कहते थे कि सिर्फ 1932 ही लागू होगा। सरकार में भी एक अकेला मंत्री थे जो लगातार आवाज उठा रहे। क्या लगता है कि उनके चले जाने से अब वो सपना कहीं कमजोर सा पड़ जाए? नहीं, ये उनका सपना और मजबूत होगा, क्योंकि अब जो आदरणीय हमारे वीर माटी पुत्र जगन्नाथ महतो का जो सपना था वो अब हमारे दिलों में, हमारे रगों में और ज़्यादा ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। और हम लोग आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भी विनम्र निवेदन करेंगे, क्योंकि उनके सम्मान पे 2 दिन का राजकीय शोक का आह्वान किए हैं और पूरे राज्य के तमाम सरकारी दफ्तर बंद है 2 दिन। तो इनका सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जो जिसका वो सबसे बड़े समर्थक और सबसे बड़े चाहता थे, 1932 के आधारित खतियान का आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। तो उनका आत्मा को तभी शांति मिलेगी, उसे सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उसके मांगों को पूरा किया जाएगा। और एक बात है कि हम लोग का जो कार्यक्रम था, हम लोग का निर्धारित था कि कल यानी 6 अप्रैल को हम लोग सूचना भी देने वाले थे प्रशासन को 8, 9 और 10 तारीख का, जो राष्ट्रीय शोक के कारण पूरे सरकारी दफ्तर बंद होने के कारण हम लोग नहीं दे पाए। तो हम लोग चूंकि संविधान को भी मानते हैं, कानून को भी मानते हैं, तो 8, 9 और 10 का कार्यक्रम को हम लोग प्रशासन को भी सूचना नहीं कर पाए हैं। तो बिना परमिशन का पूरे छात्रों का बुलाकर कार्यक्रम करना भी एक गैरकानूनी होगा, इसीलिए कानूनन तौर पर भी हम लोग 8, 9 और 10 का कार्यक्रम को स्थगित करते हुए हम लोग 17, 18, 19 का कार्यक्रम निर्धारित किए। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ रहता है। आप जो जैसा प्रश्न किए कि ऐसी बात नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे शहीद हो गए या तो भगत सिंह शहीद हो गए तो हम लोग आज़ादी का जो है सपना छोड़ दिए। हमारे टाइगर जी नहीं हैं, लेकिन उनके दिया हुआ जो मैसेज है हम लोगों के पास में, अब तो हम लोगों के पास में जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी अब हम नौजवानों के कंधों पर है। सपना देखे थे हम लोग, उस सपने को साकार करेंगे और 1932 के खतियान को लागू करवाएंगे, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, 1 मिनट और हम लोग 2 मिनट के लिए मौन भी रखेंगे आत्मा की शांति।